गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर जो हमारा स्टार्ट किया था फूड वी ईट, उसके टू पार्ट्स हो चुके थे। टुडे इज़ योर पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में आज हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 19 है, ये 19 पर है, सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, भोजन आपको कहाँ से मिलता है, कौन कौन से स्रोतों से आपको, जो हम भोजन खाते हैं, हम भोजन करते हैं, वो हमको कहाँ से मिलता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन हमको पौधों और जानवरों दोनों से मिलता है। ठीक है, हम जो खाते हैं, पीते हैं या फिर जिससे हम भोजन बनाते हैं, वो हमको प्लांट्स मीन्स पौधे और एनिमल्स जानवरों से दोनों से मिलता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि पौधों से हमको कैसे मिलता है भोजन। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। ठीक है, पहले तो इसमें बताया कि जो पौधे हैं वो खुद अपना भोजन तैयार करते हैं, किसकी मदद से, पानी, हवा और सूर्य की रोशनी से, तीनों की मदद से वो पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर देयर ग्रोथ, और जो भी उसके पार्ट होते हैं वही उसकी क्या करते हैं, ग्रोथ होने में उसका यूज़ करते हैं, मदद करते हैं। अब देखो, अब क्या बचता है, द रेस्ट इज़ स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, जो बचे हुए पार्ट्स है वह कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स मतलब है जड़, स्टेम मीन्स तना, लीव्स मतलब पत्ती, फ्लावर्स मतलब फूल, सीड्स मतलब होता है बीज एंड फ्रूट्स मतलब होता है फल। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं वो खुद ही क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपनी ग्रोथ उनकी होती है, और जो पौधे हैं वो अपना भोजन भी खुद बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट दीज पार्ट्स एज फूड। अभी हमने जो पार्ट पढ़े प्लांट्स के, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, सीड्स है और फ्रूट्स है, तो ह्यूमन बींग जो मानव जाति है और जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वह इनको, ये जो पार्ट्स हैं इनको अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। प्लांट फूड इज़ ईटन कुक्ड। ठीक है, पौधे से मिलने वाला जो भोजन है वो हम पकाकर भी खाते हैं, कुक्ड मतलब बना के खाना। बट सम पार्ट्स कैन बी ईटन रॉ, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम कच्चे भी खाते हैं, जिनको हम कुक नहीं करते। रॉ मतलब होता है कच्चा माल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है, उसमें बताया है कि प्लांट का कौन सा पार्ट, कौन सी वेजिटेबल या फ्रूट्स उसमें आते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, सीड्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, तो प्लांट का कौन सा पार्ट कौन से इसमें आएगा। ओके, फर्स्ट है आपका रूट। रूट में देखिए, रूट मीन्स होता है जड़, तो रूट में कौन कौन से वेजिटेबल्स आती है, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश, मूली, बीटरूट जो चुकंदर आता है, टर्निप, सलजम। ओके, तो ये तीनों, 1 2 3 4, ये जो चारों हैं ये क्या है, रूट है। देन स्टेम, स्टेम मतलब तना, तो पोटैटो, शुगर कैन, जिंजर, ठीक है, आलू और गन्ना और अदरक, ये क्या है, पौधे के तने हैं, स्टेम है, वो स्टेम में काउंट होते हैं। देन लीव्स, लीव्स है स्पिनेच, कोरिएंडर, केबेज एंड लेटिस। स्पिनेच पालक, धनिया और पत्ता गोभी, और लेटिस एक पत्ता गोभी की तरह ही, फूल गोभी की तरह छोटी छोटी, एक कॉलीफ्लावर की तरह ही एक सब्जी होती है, उसको लेटिस कहा जाता है। सीड्स में, बीज में क्या कहेगा, सीरियल्स मतलब अनाज, गेहूं है, राइस, चावल एंड मेज, मक्का, तो गेहूं, मक्का और जो चावल है ये बीज की उसमें आएंगे, बीज कहे जाते हैं। ओट्स मतलब जौ, पीस मतलब मटर, पल्सेस जो दालें होती है जैसे मसूर है, ग्राम मीन्स चना, अरहर मतलब तुअर दाल। ठीक है, तो ये जो दालें हैं, अनाज है, ये सब सीड्स में आएंगे। देन फ्लावर्स, फ्लावर्स में क्या आ जाएगा, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली।
कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, कॉलीफ्लावर का छोटा रूप ही क्या होती है ब्रोकली, ये भी एक क्या है वेजिटेबल है। देन फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या आएगा मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, जितने भी फ्रूट्स है वो भी क्या है प्लांट्स के पार्ट है। तो ये सब प्लांट्स के पार्ट है और इसी को हम खाते हैं। तो कुछ हम कुक करके खाते हैं, मतलब पका के खाते हैं, और जैसे फ्रूट्स है तो वो हम अनकुकड ही खाते हैं ना, बिना पके हुए, उनको हम गैस पे नहीं पकाते, उनको हम ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा समझाया है कि प्लांट्स से हमको भोजन कैसे मिलता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर है बेटा फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स से हमको भोजन कैसे प्राप्त होता है। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। जो जानवर है वो भी हमको बहुत सारा जो भोजन है उसकी वैरायटी हमको देते हैं। फर्स्ट है मिल्क, मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क मीन्स होता है दूध। वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, बफेलो, गॉट एंड केमल, ठीक है। दूध हमको किससे मिलता है, काऊ मीन्स गाय, भैंस, बकरी एंड ऊंट, ये चारों क्या देते हैं मिल्क। देन मीट, मीट कौन देता है, एनिमल्स लाइक गॉट, हैंड एंड शीप गिव अस मीट, ये हमको क्या देते हैं मांस देते हैं। एग्स, वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक्स, ठीक है। हैंस मतलब मुर्गी और डक्स से हमको क्या मिलते हैं अंडे मिलते हैं, एग्स मिलते हैं। हनी, हनी मीन्स होता है शहद, जो शहद है वो भी बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, बहुत सारी दवाइयों मेडिसिन में काम आता है ये। तो ये हमको कहाँ से मिलता है, इट इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम बीज, बीज मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खियों से हमें क्या प्राप्त होता है शहद। बीज मेक हनी बाय एक्सट्रैक्टिंग नेक्टर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अलग अलग फूलों से वह क्या इकट्ठा करती है, एक्सट्रैक्टिंग मतलब निकालना, क्या निकालती है नेक्टर, उसका जो रस होता है, फूलों का जो रस होता है उसको निकालती है और फिर उससे क्या बनाती है शहद बनाती है, हनी बनाती है। तो जो मधुमक्खी है वो हमको क्या देती है, हनी देती है। नाउ यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये सही है या गलत है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमको भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है, अगर ये सही है तो आप यहाँ ट्रू लिखेंगे। काउ गिव्स अस हनी, गाय हमको शहद देती है, अगर ये ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स। वी ऑब्टेन एग्स फ्रॉम हैन, ठीक है, अंडे हमको मुर्गी से मिलते हैं। तो ये तीनों आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है और इतना चैप्टर आपको अच्छे से रीड करके रखना है, ओके। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, तो यहाँ तक आप अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट रीड करके रखेंगे अच्छे से और उसको समझ के रखेंगे। थैंक यू।